वर्ष 2020 में नगलाबुड़ी इलाके में सजने वाली आदर्श भीम नगरी के कार्यालय का उद्घाटन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ किया गया। महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव के मौके पर सपोर्ट इंडिया और आगरा जाटम महापंचायत सहित कई सामाजिक संगठनों ने जिसके आयोजन का बीड़ा उठाया है। कार्यक्रम के दौरान आयोजन समिति के पदाधिकारी एडवोकेट सुरेश चंद सोनी, आगरा जाटम महापंचायत के अध्यक्ष रामवीर सिंह करदम, डॉक्टर वीर सिंह जगरवाल, अनिल भिंडरवाल सहित सभी लोगों ने इस आयोजन में नारी शक्ति की भागीदारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिनके कर कमलों से आज अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर सजने वाली भीम नगरी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कराया गया। क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष सेठ धनीराम, सपोर्ट इंडिया के अध्यक्ष सुरेश चंद सोनी सहित सभी वक्ताओं ने जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और कार्यक्रम को भव्य बनाने का संकल्प लिया है। ये 25वीं भीम नगरी मनाई जा रही है आगरा में और ये रजत के रूप में मना रहे हैं हम लोग। और इस भीम नगरी में एक बहुत ही प्रशंसनीय और उदाहरणीय कदम उठाया है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान के माध्यम से जो महिलाओं को अधिकार दिया बराबरी का, उसका कहीं देखने को मिलता नहीं था। लेकिन आज इस भीम नगरी के कार्यालय का जो उद्घाटन किया है वो सामूहिक रूप से बहुजन समाज की महिलाओं ने उद्घाटन किया है और महिलाओं को सम्मान दे करके हम लोगों ने जो है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को पूरा करने का प्रयास भर कर रहे हैं हम लोग। इस बार किस तारीख को भीम नगरी यहाँ सजाई जा रही नगलाबुड़ी में और क्या पूरा कार्यक्रम क्या है? इस बार भीम नगरी जो है 15 और 16 अप्रैल को यहाँ पर आयोजित है, जिसमें हमने राष्ट्रीय नेताओं को आमंत्रित किया है। खास कार्यक्रम इसमें रहेगा 15 तारीख को भीम नगरी में 1000 बच्चों की एक वर्ष की पूरी फीस जमा की जाएगी और सभी स्कूलों से इस संदर्भ में बच्चों से, उनके माता पिता से और सभी लोगों से बातचीत की जा रही है कि जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है उनकी फीस जमा करने का काम इस भीम नगरी के मंच से किया जाए। 16 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और वृद्ध महिलाओं को वस्त्र प्रदान किए जाएंगे। आज पहली बार आगरा के अंदर हुआ है कि पहली बार महिलाओं ने भीम नगरी का उद्घाटन किया है। ये महिलाओं के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है और हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर महिलाओं को आगे आना चाहिए और इसी संबंध में आज भीम नगरी का उद्घाटन महिलाओं द्वारा किया गया है। और इस भीम नगरी में एक ऐसी भीम नगरी होगी जिसमें देश के कई बड़े राजनीतिक नेताओं की भी शिरकत होगी और कब से वक्त भीम नगरी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और कई कवि सम्मेलन और कई तरीके के इसमें कार्यक्रम किए जाएंगे। आज इस मंच पे बैठी हूँ और आज हमें बहुत ही खुशी है कि आज भीम नगरी का उद्घाटन हमारे महिलाओं के हाथ से किया गया। हमारे बाबा साहब भी यही चाहते थे कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ें और हमारी महिलाओं को शिक्षित किया जाए और हम महिलाएं शिक्षित भी हो रही हैं और आगे भी हम महिलाओं को शिक्षित करेंगे और इसी शिक्षा में 1000 बच्चों के लिए फीस भी दी जाएगी और हम बाबा साहब का सपना जरूर पूरा करेंगे। हमारे बाबा साहब की यही इच्छा थी कि महिलाएं हमारी आगे बढ़े, उनके सम्मान के लिए बहुत कुछ उन्होंने प्रेरणा सुनने को मिल रहा है। महिलाओं को जो सम्मान तो दिया जा रहा है, ये आगरा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर समाज की महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। ये रमाबाई माता रमाबाई के चरणों में और हम समझते हैं कि हम बाबा साहब के ऋणी हैं, हम महिलाएं बाबा साहब की ऋणी हैं कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है हम पूरा जीवन अगर इस कार्य में लगे रहें कि महिलाओं को समझाए को सुधारने का काम करते रहें तब भी पूरे जीवन में हम उनका कर्ज पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें कृतज्ञता होती है कि हम उनके लिए बहुत कृतज्ञ हैं बाबा साहब के लिए कि बाबा साहब ने हमें इंसान का जीवन दिया जबकि हमारा जीवन तो पशुओं के बराबर था। तो आज जो आगरा के अंदर हर समाज की महिलाओं को जो सम्मान से देखा जा रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, भीम नगरी का उद्घाटन जो किया गया है आज, ये बहुत ही सराहनीय है।
ये बहुत ही सराहनीय है और मैं समझती हूँ कि अब आगरा में भी महिलाओं को सम्मान मिलने लगा। बाबा साहब भी यही चाहते थे, बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है। उद्घाटन के इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज एकता संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर वीर सिंह जगरवाल और अनिल भिंडरवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में बाबा साहब के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, जबकि सोशल केयर सोसाइटी, डीआर चैरिटेबल ट्रस्ट, वीर वाल्मीकि ग्रुप, युवा भीम सैनिक सहित तमाम संगठन इसको सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान एडवोकेट शैलेंद्र सोनी, कुलदीप कुमार सहित दर्जनों महिला और पुरुष उपस्थित रहे और बाबा साहब को नमन किया।